अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय हरीम हरदीन चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आइए नाज़रीन, आज मैं आपको आलू बुखारे की चटनी बनाने का तरीका बता रही हूँ। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आलू बुखारा, छोटी इलायची, काली मिर्च, बादाम, गिरी और मेवे और एक कप चीनी और दो चम्मच। नाजरीन, हम सबसे पहले आलू बुखारे को दो कप पानी में बॉईल करेंगे। नाजरीन, हम आलू बुखारे को 5 मिनट तक नरम करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े फूलना शुरू हो गए। अब हम इसमें एक प्याली चीनी, छोटी इलायची, आधी चम्मच काली मिर्च। देख रहे हैं नाज़रीन, पानी में उबाल आना शुरू हो गया। नाज़रीन, हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी को तब तक बॉईल देंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, इसे 5 मिनट तक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पानी थोड़ा सा, जब पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच डाल देंगे। आप देख रहे हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह फूल गए हैं और हमारा सीरा अच्छी तरह चाशनी तैयार हो रही है। अभी भी हम इसे 5 मिनट, तिल डालने के बाद हम इसमें बादाम और गिरी भी मिक्स कर देंगे और मेवे भी डाल देंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आलू बुखारे की चटनी तैयार है। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं।